के सहन करने की शक्ति हमारे अंदर है, कहीं लाना नहीं है। सिर्फ अपने को याद रखना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें गुस्सा नहीं करना। पति बच्चे परिवार वाले करेंगे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान में सुनने वाले भी करेंगे कि उनको अभी तक पूरा निश्चय नहीं है, विश्वास हमें निश्चय है तो मुझे नहीं करना है, संभव है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए तो बताओ भाई जी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई है तो आप भाई बताओ, थोड़ा गुस्सा करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए? नहीं, थोड़ा तो करना चाहिए भाई। कुर्सी वाले भाई क्या कहते हैं, थोड़ा करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, देखना आता है। यही इधर ही परीक्षा है। आज बाबा ने मुरली में कहा था कि दो पहलवान लड़ाई करते हैं, कुश्ती खेलते हैं, जीत एक की होती है। बिना लड़ाई के, बिना पहलवानी के जीत होती नहीं है, विजय अपने आप नहीं होता है। स्कूल में भी पढ़ने के बाद भी, परीक्षा देने के बाद भी, बाद ही आप विजयी बनते पास होते हैं। यहां भी क्रोध करने वाले, दुख देने वाले मिलेंगे, आएंगे, लेकिन मुझे उन पर विजय प्राप्त करना है, तब आप विजयी रतन कह जाएंगे। विजयी रतन ही सत्युग में जाएगा। पराजित वाला कहां आएगा? थोड़ा पराजय होगा, क्या होगा, उधर ही बैठना पड़ेगा ना। हाँ, त्रेता युग में आना पड़ेगा, हाँ जंगल में जाना पड़ेगा। सत्युग में आना चाहते हो तो आज इसलिए दीदी ने आप सबको बुला करके भक्ति क्यों रखा है समझाओ। अगर नहीं कर सकते बताना, उसकी हर चीज की विधि है। भाई जी कितना दिन क्रोध मुक्त होना चाहिए? ज्यादा नहीं, कम से कम एक महीना, एक बार आदत डाल तो सदा के लिए चले। एकदम सारा एक जीवन के लिए नहीं करना है ना, हिम्मत का एक कदम रखो। आप एक महीना नहीं, 15 दिन कहो, 15 दिन नहीं, 1 हफ्ता कहो, कितना दिन करना चाहते हो बताओ, अपनी इच्छा से बताओ, कितना दिन क्रोध मुक्त बनना चाहते हो? 1 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 महीने तक जो समझते हैं 1 महीने तक क्रोध नहीं करेंगे वो आप बताओ, देख लो। हाँ पक्का याद रहेगा ना, हाँ 1 महीने के। जो समझते हैं 15 दिन तक गुस्सा नहीं करेंगे वो आप बताओ, 15 दिन वाले थोड़े से, 1 महीना,